अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मेरा काशी वर्ल्ड जी। आज मैं गई थी हमारी इधर के चेयरमैन हैं डॉक्टर उमर नसीर उनकी तरफ, ये उनका न्यूज़पेपर है इनकलाबी दुनिया, तो उनकी तरफ बहुत मज़ा आया। उनकी मिसेज बहुत अच्छी हैं, उनकी बेटी है नूर, तो बहुत मज़ा आया। हमने काफ़ी इंजॉय किया, टी पार्टी पे पिज़्ज़ा खाया, बर्गर्स वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, आइसक्रीम, बहुत मज़ा आया उनकी तरफ। तो उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है, तो मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हूँ, बच्चों के लिए रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ मैंने बनाया है जो आलू की भुजिया, कलवंजी वाले आलू हैं ये, बहुत ही टेस्टी भुजिया बनती है। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं फटाफट बना रही थी तो मेरे जहन से निकल गया रिकॉर्डिंग करनी जी। तो ये मैं देसी घी वाली रोटियाँ बना रही हूँ। इस तरह आप रोटियां बनाएंगे ना, रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। कच्ची रोटी के ऊपर घी लगा दें और उसको पलट के आप सेक लें, बड़ी सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, बहुत ही मज़े की। ये मेरी छोटी सी हेल्पर है, ये इधर बेल रही है और मैं पका रही हूँ जो काम करती हूँ ना मेरे साथ साथ माशाल्लाह से करती है। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए रोटियाँ बना लूँगी, और गर्मी में सबसे मुश्किल काम है रोटियाँ बनाना, लेकिन करना तो पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं हल्के हाथ से रोटी को सेक लूँगी, और नॉर्मल से नॉर्मल फ्लेम रखना है आपने, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, रोटी जल जाती है फिर नरम नहीं रहती। तो मेरी मम्मी भी ऐसी रोटियाँ बनाती थी मेरे लिए, और मुझे आज तक वो टेस्ट याद है। तो मैं बच्चों को ऐसे देसी घी लगा के दे देती हूँ, क्योंकि वो ऊपर लगा के नहीं खाते जी। तो यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, ये देखें जी, ये मास्टर शेफ़ हैं हमारे जो रोटियाँ बना रहे हैं ये मुझे साथ बड़ा तंग भी करती है जी। यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं, अब मैं सर्विंग करूँगी, बच्चों को मैं डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह इस भुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें, देखने में ही इतने डिलीशियस और इतने प्यारे लगते हैं ना। अभी मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, ये तो गार्निशिंग करके वो भी बड़ा अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है। ओके जी, खाना बच्चों को दे दिया था, उसके बाद चाय बनाई, ये वो, बच्चों को अकेडमी भेजा। मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, इसमें मैं बना लूँगी कीमा पुलाव, कीमे वाले चावल आप जो भी कह लें। एक प्याज काट लिया मैंने दरमियाने साइज़ का, और ये अदरक है मेरे पास फ्रीज, और ये है टमाटर, और ये है जी कीमा। कीमे में पहले से सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड है, तो हम जी तड़के में डालेंगे ज़ीरा, नमक, दालचीनी और मोटी इलायची, सारा कुछ तड़के में डाल के हम तड़का लगा लेंगे। प्याज ब्राउन होगा तो इस पर पानी ऐड कर देंगे। नमक मैंने साथ ही डाल दिया था, मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें बस डालेंगे, क्योंकि कीमे के अंदर ऑलरेडी सब्ज़ मिर्चें हैं, और दो सब्ज़ मिर्चें वैसे डालेंगे। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और अदरक, सारा कुछ डाल के तो हम मसाला अच्छे से भून लेंगे जी। तो अच्छे से मसाले को हमने भून लिया है, ये देखें हर चीज़ यकजान हो गई है, घी भी अलहदा हो गया मसाले से। तो अब हम इसमें डाल देंगे कीमा, ये देखें कीमा फ्रीज है, तो पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे, जब ये खुल जाएगा फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखें पानी ऐड कर दें आप, पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे, कवर करके रख देंगे, और इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कीमा खुल चुका होगा, फिर हम उसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखेंगे 10 मिनट के बाद कीमा खुल गया, कीमा हाथ के इसलिए ज़रा मोटा मोटा, इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर दी जी। जी इतना भूनना, इतना भूनना, इतना भूनना कि ये माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी क्या गलती है जी। ये देखिए इसे घी छोड़ना शुरू कर दिए, और माफ़ी मांग रहा था कि बस करें, अब मेरी मत बज गई है, मैं इतना भून गया हूँ जी। इसको हमने भून दिया, अभी हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि अब इसको गलाना भी है। हमने 2 गिलास पानी डाल के हम इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये गल जाए और अच्छे से इसकी यखनी भी निकल आए। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे,
फिर गरम मसाला डाल देंगे और साथ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी मैं। ये देखें हमने इसको गलने के लिए रख छोड़ा है और 15-20 मिनट के बाद ये देखें हमने इसमें चावल डाल दिए। चावल मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए थे। चावल ऐड करके तो हम इसको पका लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम। उसका क्लिप शायद मुझे ऐड करना भूल गया है। तो जी जब चावल इस स्टेज पे होंगे तो आप नमक टेस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर और डालना हो तो आप डाल लें। तो फिर हम इसको दम पर रख देंगे, फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ दम के बाद की सिचुएशन और फाइनल लुक। ये देखिए ये दम दे दिया था मैंने, अब ये 15 मिनट मैंने इसको हल्की आँच पे दम दिया और ये देखिए कितने प्यारे राइस पक गए। और दम हटा के फौरन आपने चावलों को नहीं हिलाना, इससे चावल टूट जाते हैं। ज़रा चावलों को हवा लग जाए तो फिर आप इनको हिला के अच्छे से तो फिर सर्व करना। ये देखिए मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी, अब यह इसको 5 मिनट इसको मैंने रेस्ट दिया। अब ये देखें ये मैंने चावल निकाल ली हैं प्लेट में और जी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कमाल राइस पके थे। और रहा नहीं जा रहा मेरे से, मैं तो भाई ट्राई करने लगी हूँ। वाओ ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इजी भी बन जाते हैं और बच्चों के फेवरेट भी होते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें।